गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। कुसमी जंगल में एक बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या के प्रयास में खोराबार पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। संपत्ति के लिए बुजुर्ग की हत्या करने का किया गया था प्रयास। एक महिला समेत 3 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार कर किया खुलासा। एसटीएफ टीम द्वारा विभिन्न शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रमों में छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाने के नाम पर फर्जी तरीके से धोखाधड़ी कर अवैध रूप से पैसा अपने खाते में मंगाने वाले एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अग्रिम कार्रवाई में जुटी पुलिस। चौरी चौरा थाना क्षेत्र में शनिवार की रात देशी शराब के मुनीब को गोली मारने की सूचना निकली फर्जी। सीओ चौरी चौरा ने कहा, अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर की जा रही है कार्रवाई, संदिग्धों से की जा रही है पूछताछ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी आश्रित जन कल्याण परिषद के नव निर्वाचित पदाधिकारियों को दिलाया संविधान के प्रस्तावना तथा मौलिक कर्तव्यों की शपथ। कहा, जब कभी देश के लिए किया जाए आह्वान तो रहे तैयार। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, कंप्यूटर और मोबाइल पर गेम्स और मनोरंजन के तमाम संसाधनों के बीच भी मेले का क्रेज नहीं हुआ है कम। आज भी आपस में लोगों को मिलाता है मेला। गोरखनाथ मंदिर मेले में पहुंच रहे हजारों की संख्या में श्रद्धालु। गोरखपुर में रविवार को मिले 11 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,310। अब तक 354 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 146 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने की पुष्टि। गुरु गोविंद सिंह के 354वें प्रकाश पर्व पर मोहद्दीपुर गुरुद्वारा में विचार गोष्ठी का किया गया आयोजन। वक्ताओं ने गुरु गोविंद सिंह के जीवन पर रखे अपने अपने विचार। लगातार कई दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड के कारण घरों में रह रहे लोगों को रविवार की दोपहर के बाद निकली हल्की धूप से मिली बड़ी राहत। नौकायन पर पहुंचकर लोगों ने उठाया आनंद। बोट की सवारी, सेल्फी के जरिए अपनी यादों को किया कैद। और महानगर स्थित सेंट एंड्रयूज महाविद्यालय परिसर के क्रीडांगन पर आमंत्रण लीग कम नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। स्टार जूनियर और केंद्रीय विद्यालय की टीम ने किया प्रतिभाग, अपने खेल का दिखाया प्रदर्शन।